अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर चैनल ब्रेस्ट किरण में। तो आज था हमारा वीकेंड, बिकॉज आज इकबाल डे है, सबको पता है इकबाल डे मतलब 9 नवंबर है, इकबाल डे होता है। तो आज हमारा वीकेंड था और आप ही का वीकेंड नहीं था, किसी भी हाल में आप ही का वीकेंड नहीं होता है। आप ही ईद हो या फिर 12 रबीउल, कोई भी फेस्टिवल आप ही का वीकेंड नहीं होता, बिकॉज उन लोगों को वीकेंड नहीं दिया जाता। आई डोंट नो क्यों नहीं दिया जाता। तो आज हम लोगों ने पूरे दिन हम लोग बहुत बिजी थे, अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो बिजी ऐसे थे बिकॉज मैं उठी सुबह 8 बजे। ज़िंदगी में पहली बार जब वीकेंड होता है तो मैं उठती हूँ, आई थिंक 12-11 हो जाते हैं उठते उठते। तो आज मैं उठी 8 बजे बिकॉज के हमारा जो एक कोचिंग है मैथ वाला, तो मैथ वाले सर ने हमें जल्दी बुला लिया क्योंकि वो फ्री थे उस टाइम पर, उनको भी मैच देखना था बिकॉज सेमीफाइनल में आ गया है पाकिस्तान। तो मैं बड़ी दीवानी हूँ मैच की, तो मुझे ही मैच देखना था और सर को मैच देखना था, हमारे ना मैथ के सर है। तो उन्होंने सुबह 8 बजे में कोचिंग बुला लिया था। तो जब वो आए, मतलब उन्होंने किसी को भेजा कि इनको जाकर पूछ लें कि आज ये आ सकते हैं तो अच्छा है, जल्दी आ जाएं। तो फिर मम्मा ने उठाया मुझे, मैं उठी, ब्रश किया, मुंह धोया, तो फ्रेश हुई थोड़ा, मतलब नाश्ता किया, ऐसे उठकर मैं गई कोचिंग। तो मैथ है, सुबह सुबह मैथ पढ़ने से जाहिर सी बात है सर में दर्द हो जाता है, ये बात पे सब एग्री करते होंगे, मुझे 100% पता है। फिर उसके बाद आई थिंक हम लोग आए 9-9:30 बजे वापस, और मैंने पी चाय, बिस्किट और एप्पल खाया। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बाहर गए हम लोग, तो बच गए, मतलब बाहर ऐसे ही गए थे, कुछ काम था शॉप पर। फिर उसके बाद हम लोग आए वापस घर पर, तो इतने में हो गए थे 11, तो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते करते वो 11:30 हो गए। तो आयशा वाले गए थोड़ी देर के लिए बाहर, और मैं घर में थी, बेफखर सो रहा था, मम्मा काम कर रही थी और आप ही जॉब पर थी 11 बजे 11:30 बजे। तो इतने में आ गए हमारे दूसरे सर हमें कोचिंग देने के लिए। तो बिकॉज आपको पता है कि मेज के सब दीवाने, तो सबको लग रही थी जल्दी जल्दी हम अपने कोचिंग ख़त्म करें और आराम सुकून से बैठकर मेज देखें। तो फिर सर आए, सर ने हमें कोचिंग दी, 12 बजे तक हमारी वो, मतलब 12:30 तक हमारी कोचिंग ख़त्म हो गई थी। बिकॉज फिर उसके बाद 12 बजे के बाद मैच स्टार्ट हो गया था, टॉस वगैरह चल रही थी उसकी। तो फिर मैं बैठ के सुकून से मैच देखा। तो मैच देखते देखते जब 4 बजे ना, तो लाइट चली गई और अब मैं देख नहीं सकती बिकॉज नेट काफ़ी वीक चल रहा है। आपको पता है यहाँ पर डिजर्ट एरिया है, तो डिजर्ट एरिया में नेट काफ़ी वीक होता है। और तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मैच देखा, लाइट चली गई। फिर हम लोग थोड़ी देर हम लोग बाहर गए हम लोग थोड़े, मतलब बाहर की हवा ले लें। तो हमने सोचा आप ही को काफ़ी फोर्स किया कि आप ही बाहर चलें। तो आप ही और हम सब लोग बाहर गए थोड़ी देर, मतलब ऐसे घूम के थोड़ी ताज़ी हवा लेकर अभी रिटर्न आए हैं, तो आपको बता रहे हैं। तो अब मैं आप ही से पूछती हूँ कि आज का दिन आप ही का कैसा है, आप ही कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत बेकार, क्योंकि एक तो इलामा इकबाल डे और ऊपर से लगा दिया मेरी ड्यूटी, तो सोचे कैसा बहुत दिन गुजरा होगा। ओपनिंग में ऐसे ही प्रिपरेशन तो थे ना, डिलीवरीज करवाई, दिमाग ख़राब किया, सब डॉक्टर्स की ऑफ, स्टाफ की ऑफ, सिर्फ लेडीज स्टाफ ने भाई पता नहीं ज़्यादा लेके खा लिया है। आप ही ऐसा क्यों है? या हॉस्पिटल से तो बस लेडीज स्टाफ काम करेंगी, लेडीज डॉक्टर नहीं आएंगी, लेडीज लोअर स्टाफ सब काम करेंगे। तो खैर किया अपनी ड्यूटी की शेड्यूल के मुताबिक, और पेशेंट अटेंड किए, एनसी की डिलीवरी करवाई, ओपीडी भी की जो पेशेंट आए, घर पहुँचे, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, बच्चों के यूनिफॉर्म धोए, मैंने भी अपने कपड़े खुद ही धोए। हाँ जी जी, नहीं जी, हाँ बोलती रहती है, अपना यूनिफॉर्म धोया था सिर्फ, बाकी मैंने धोए थे। अबीर और अमन के जो सबसे गंदे होते हैं, जो साफ ही नहीं होते, वो मैंने धोए। अम्मी ने भी नहीं सोने दिया, अम्मी कह रही नहीं बच्चों के कपड़े धो पहले, यूनिफॉर्म धो। फिर मैंने यूनिफॉर्म धोए, मैंने अपने कपड़े धोए, जब सोने की बारी आई बच्चों को लेके गई बाहर घुमा फिरा खिलाई थोड़ा सा, फिर अम्मी और लोगों के साथ बाहर थोड़ा चक्कर लगाने के लिए चली गई। अभी आई हूँ, अभी बच्चे को नहलाया है, उसको कपड़े पहनाए, तो अब अपना कोई काम करें।
अलमारी खोल के तो ऐसे कपड़े कौन से निकाले। ये मेरी अलमारी है, इसमें मैं इसके सामने खड़ी हूँ, इसमें थोड़ी बहुत जो है कॉस्मेटिक्स है और इसमें मैं अपने अच्छी अच्छी चीजें रखती हूँ ताकि जो है बच्चे इस तक पहुँच ना पाए। इसकी चाबी जो है सिर्फ अम्मी और मेरे पास होती है, मैं बच्चों के हाथ में नहीं देती क्योंकि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत खास होते हैं, जाहिर है बच्चों को पता नहीं इधर उधर कर दें या कोई खास सामान इधर उधर हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाहिर बात है जब से पैदा हुए तब से पढ़ाई करते आ रहे हैं, आज तक 25 साल हो गए, 25 साल से पढ़ ही रही हूँ और 25 साल का जो मुझे इतने सारे कागज मिले वो मैंने बड़े संभाल के रखे, तो सोचे 25 साल की चीज़ें जाहिर बात है इस अलमारी में बंद है तो मैं किसी के हवाले कैसे कर दूँ, जो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास है। मेरा मुस्तकबिल उन पर, मेरा पूरा मुस्तकबिल का दारो मदार उस पर और ख़ास तौर पर जो है मेरी रिटायरमेंट उस पर, तो जाहिर में कैसे इसको छोड़ दूँ। और डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें ख़ास तौर पर और कॉस्मेटिक्स, आप तो पता है बच्चे कितने शौकीन होते हैं कॉस्मेटिक्स के, उन्हें फेस वॉश भी करना होता है, उन्हें फाउंडेशन भी करना होता है, उन्हें क्रीमें भी लगानी होती है, उन्हें लिपस्टिक भी लगानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ सब बच्चों से मेकअप लेकर इसमें रख देती हूँ ताकि ये अपने चेहरे ख़राब ना करें, क्योंकि अभी तक बच्चे हैं तो बच्चे बन के रहें, जब हमारी एज में आएंगे तो अल्लाह इनको खुद ही इतना दे देगा इंशाल्लाह कि फिर उन्हें अलमारी में आने की ज़रूरत ही क्या है, इनके लिए तो भाई रूम होंगे रूम इंशाल्लाह। पर फिलहाल मेरी छोटी सी अलमारी जिसमें मेरी थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स है, इतनी ज़्यादा नहीं है, खैर मैं इतनी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती क्योंकि मूड होने की इतनी टाइम नहीं मिलता, बच्चे इतना सांस ही नहीं लेने देते, हवा कम करते रहते हैं, तो बस कोशिश यही करते हैं बच्चों की हिफाजत कर लें और अपनी चीज़ों की भी और बच्चों के मुस्तकबिल की सबसे बड़ी बात है। अभी राय के लिए पाकिस्तान जीत गया है, चलो भाई फाइनली जीत गया, जीत गया है तो वैसे मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बड़ी इंटरेस्ट है, मुझे कोई सियासत में दिलचस्पी है, मुझे सिर्फ दिलचस्पी है तो सिर्फ अपने काम में, जैसे कि मैं गायन में हूँ, गायनी की मैं एक्सपर्ट हूँ, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि अपने काम जो है मैं ईमानदारी से करती हूँ, नहीं आता वो नहीं करती पर जो करती हूँ वो ईमानदारी से, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी बस अल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा करे, मैं चाहती हूँ मेडिकल में भी जाएँ, वैसे जो चाहते हैं वो बने, पर मेरी ख्वाहिश है कि एक तो मेरे घर में डॉक्टर होना ही चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एमन कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह, एमन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी मुझे यकीन है पूरा, और मेरा एक ख्वाब ज़रूर पूरा करेगी और मेरा नाम आगे बढ़ाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो चलें आज क्या करते हैं, चलें बाकी काम करते हैं, आपको दिखाते हैं, आ जाएं बने रहे हमारे साथ। तो अब सब कर रहे हैं डिनर जो कि मैंने कर लिया है डिनर, तो दिखाती हूँ मैं सब कैसे कर रहे हैं डिनर। ये सब डिनर कर रहे हैं, मम्मा कोल्ड ड्रिंक, हाय गाइस मैं यहां बैठी हूं छोटी सी, सब डिनर कर रहे हैं। तो मैं सबसे फास्ट हूं, मैं जल्दी से डिनर कर लेती हूं, इन लोगों को लगती काफी देर, तो मिलते हैं डिनर के बाद हम। तो हम लोग डिनर कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि फखर को नींद आ रही होगी, और वैसे भी हम लोग जल्दी सोते हैं क्योंकि टाइम से बिल्कुल सोते हैं और टाइम से बिल्कुल उठते हैं, और मैं भी जॉब से जाती हूँ फिर दोपहर में भी आराम नहीं हो सकता तो इसलिए मैं भी जो है जल्दी सो जाती हूँ। तो अब फखर को करेंगे रात को सोने के लिए तैयार, तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो बने रहिए मेरे साथ ब्रेव की रणवी लोग, अल्लाह हाफिज़।